तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये गोगी, ये फिर से पीछे के आ गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहीं ऊपर पोपट अंकल मिल गए हो, और उन्होंने तो सच नहीं बता दिया ना कि हम दोनों साथ में थे। पर गोगी का नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया, चक्कर क्या है? मेरे भाई को गोगी का सच पता चल गया, कहीं गोगी हमारा सच ना बता दे। तारक मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अंजलि तुम डरो मत, तुम्हारे चेहरे पे डर साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। तुम्हारे डर की वजह से बेटे को अगर हम पे शौक हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे एक जवाब दे। क्या 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 नहीं बताया भिड़े अंकल? अरे यही कि उसके घर पे कोई नहीं है, कब से बेल बजा रहा हूँ, सोडी रोशन अभी बाहर गए, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? कहाँ गए? कहाँ गए यार? मालस पिक्चर पे। अरे मुझे मुझे क्या पूछ रहे हो, कहाँ गए? नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कहाँ गए मम्मी पापा, मैनू नहीं पता। अच्छा कमाल है गोगी, तुझे तो पता होना चाहिए ना कि सोडी अंकल और रोशन आंटी घर पर नहीं है। नहीं वो मैं बाहर गया था, जैसे ही मैं आया वैसे भीड़ अंकल को सामान रखने में मदद किया, तब से भोपाल अंकल ढूंढो मिशन शुरू हो गया। तार जाने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ सच में टाइम नहीं मिला। ओए पिडू, ओए एकी, ओए पोपू ने क्या किया जो तूने अब्दुल को बोल के सोसाइटी के मेन गेट पे ताला लगवा दिया? क्या हुआ भीड़े मास्टर, पोपटलाल मिला? अरे नहीं मिला अभी तक। सॉरी सर, मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। हाँ भिड़े भाई, आप पोपटलाल भाई को इतनी गुस्से में क्यों ढूंढ रहे थे? हाँ। नहीं नहीं कुमार भाभी, अभी भी ढूंढ रहा हूँ मैं उसे। ओ पप्पू ने ऐसा क्या किया जो तू उसे ढूंढ रहा है? अरे उसने ऐसी हरकत की ना सोड़ी कि उसमें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। क्या हुआ? हाँ मामा, बहुत दिन बाद मुंबई आया, कैसे आना हुआ? विद्या की जल्दी से जल्दी शादी करनी है, उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढना है। तुझे पता है ना अपने खानदान में लड़की की शादी सिर्फ शिक्षक से होती है। मैंने तेरी और मामा मम्मी की बातें सुनी विद्या जी की शादी को लेकर। मेरी मामा को उसकी लड़की विद्या के लिए लड़का चाहिए, लेकिन वो शिक्षक ही चाहिए। हाँ। तू एक काम कर, उनका नंबर मुझे दे दे, मैं डायरेक्ट उनसे बात करता हूँ। मैं तुम्हें नंबर नहीं देने वाला। अरे 10 किलो पापड़ और 5 किलो आम रो आचार चाहिए फटाफट। सुधाकर मामा की बेटी विद्या के लिए मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। पोपटलाल कुछ भी हो जाए इसे मामा का नंबर बिल्कुल मत देना, कर ला? नी काय म्हणते? तुम्हें मेरी कसम। अगर एक शिक्षक शिक्षा देकर समाज की सेवा करता है तो पत्रकार उसी समाज को आईना दिखाता है, उसे सही रास्ते पर लेकर आता है। अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी सही लगी हो तो प्लीज इसके बारे में एक बार सोचिएगा। ये जो भी हुआ है ना बबड़ू, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। आज से तेरा मेरा रिश्ता कट। अरे बाप रे, खुदाई जी, आज तो पोपट भाई ने बहुत खट्टू काम के ढुआ। आपको बिना बताए पोपटलाल भाई को शिवगंगा गांव नहीं जाना चाहिए था। बताकर भी नहीं जाना चाहिए था कोमल भाभी। ओए पिड़ू, वो पप्पू की वजह से तेरे मामा ने तुझसे रिश्ता तोड़ दिया। ओए पापा जी, अरे पप्पू की इतनी हिम्मत कि वो सीधा तेरे मामा के गांव पहुंच गया और तेरी बहन विद्या से शादी की बात भी कर ली। ओए कब गया था पप्पू और कौन गया था उसके साथ? मैंने गया था। गोगे डिकरा, तेरे पापा तुझसे नहीं पूछ रहे हैं? गोगी, सोडी अंकल ने तुझसे नहीं पूछा तो तूने क्यों जवाब दिया? एक मिनट लागे मेरा। बिना पूछे अगर कोई सवाल का जवाब देता है तो इसका मतलब यह होता है कि उसके मन में जरूर कुछ है। ये मेरे शिक्षक होने का अनुभव कहता है। गोगी बताओ तुमने बिना पूछे जवाब क्यों दिया? वो एक्चुअली गोगी। तुम गोगी हो? गोगी तूने जवाब इसके लिए दिया ना क्योंकि तुझे लगा सोडी अंकल तुझे पूछ रहे हैं ना? हाँ, पापा मेरी तरफ देख रहे थे तो मैंने लगा कि पापा मैंने पूछ रहे हैं।
भिड़े तू टेंशन की वजह से जासूस बन गए। हर किसी पे शक कर रहा है। ओ पिड़ू, तू पोपू को मेरे सामने ला। वो कमाल है, उसको रिश्तों की परवाह ही नहीं है। वो दी पोपटलाल कहीं छुप गया, सोसाइटी के अंदर या फिर सोसाइटी के बाहर? नहीं नहीं, मेहता साहब को 100% सोसाइटी के अंदर ही छुपा है। ओए पप्पू, ओए कितने छुपा है तू? अब बाहर निकल, पप्पू, पप्पू, ओ कितने है तू? एक मिनट, छोड़ी एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही पोपटलाल को अपने घर में छुपाया है और तुम पर कोई शक ना करे इसलिए तुम दोनों बाहर घूमने चले गए? ओ, पिड़ू, तू मुझ पे डाउट कर रहा है? तू मेरे पे इल्जाम लगा रहा है? रोशन सिंह चोंडी पे? ओए पप्पू, मेरा भी दोस्त है, लेकिन तेरे लिए मैं उससे भी भिड़ने को तैयार हूँ और तू मुझ पे शक कर रहा है? रोशन, तेरा भेजा शांत रखनी बाबा। हाँ भिड़े मास्टर, सॉरी, शांत हो जाओ। और रोशन क्या शांत रखूं? ओए पिड़ू, मुझ पे शक कर रहा है? ओए पिड़ू, अगर मुझे पप्पू को बचाना होता ना तो मैं ऐसे छुपाने वाले खेल नहीं खेलता। ओए तेरे सामने लाके खड़ा करता और कहता हाथ लगा के दिखा। ओए हम सच छुपाने वालों में से नहीं है। रोशन तेरा शांत है जा। और भेड़े भाई का टेंशन समझ, उनके मामा जी ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। सॉरी पिड़ू, तू एक काम कर, तू मेरे घर चल और चेक कर ले और अपनी तसल्ली कर ले। देखूंगा सोड़ी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे घर पे नहीं, हर एक घर में फिर से देखूंगा। मतलब यह है कि जब मैं पहले घर में पोपटलाल को ढूंढने गया था तब वो वहां से किसी तरह बच के दूसरे घर में गया होगा। जब मैं दूसरे घर में गया तो वहां से बच के तीसरे घर में गया होगा। लेकिन अब हम सब गोकुलवासी एक ही साथ उसको अलग अलग जगह ढूंढेंगे ताकि वो जहां भी छुपाओ मिल जाए। आप सब तो यही है ना, सिर्फ अय्यर और बबीता जी नहीं है ना? अय्यर, बबीता जी, अय्यर, बबीता जी। अय्यर, अभी बात बहुत आगे बढ़ गई है। भेड़े भाई पोपट भाई को ढूंढे बिना शांत नहीं रहने वाले हैं। क्या करे, हम जाके भेड़े भाई को सच बता दे क्या? अरे नहीं 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 बबीता, अभी सच बताना ठीक नहीं होगा। आत्माराम बहुत गुस्से में है, अभी तो चुप रहने में ही हमारी और पोपटलाल की भलाई है। चलो जाके देखते। चलो चलो। हाँ भेड़े भाई बोलिए। अरे आत्माराम, पोपटलाल मिला क्या? उसी के बारे में बात करनी है यार, जरा प्लीज नीचे आइए ना। अय्यर, उनको ये तो नहीं पता चल गया कि पोपट भाई हमारे घर पे आए थे? चलो नीचे चल के देखते हैं। हाँ, आ रहे। हाँ। अरे अब्दुल भाई, जरा अंदर आना। आया। हाँ बेटे भाई, बता दो। आइए 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 बबीता जी। अय्यर, सुनिए सुनिए सुनिए, गोकुलधाम वालों जरा बाहर आइए प्लीज। सुनिए सुनिए, जरा बाहर आइए प्लीज। एक बात कहनी है, बाहर आइए प्लीज। सुनिए देखिए, सुनिए, पोपटलाल को पता चल गया है कि मैं उसको ढूंढ रहा हूं, इसलिए वो अपना मोबाइल घर पे छोड़ के ही भागा है जो अभी मेरे पास है। अब्दुल को बोल के मैंने गेट पे ताला लगवा दिया ताकि वो बाहर भाग ना सके, इसका मतलब वो सोसाइटी में कहीं छुपा हुआ है। ओए फिर तो पप्पू पक्का मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो सही, कहां जाएगा बच के। लेकिन उससे पहले मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है जिसका सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। पोपटलाल आप ऐसे किसी के घर पे छुपा है? नहीं। देखिए गोकुलधाम वासियों, आप सबका दोस्त, आपका पड़ोसी और गोकुलधाम सोसाइटी का एक नो सेक्रेटरी यानी कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। ये पोपटलाल की वजह से मेरे मामा ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया है। देखिए
कि आप सबके मदद की बहुत जरूरत है और उम्मीद करता हूं कि आप पूरी वफादारी के साथ मेरी मदद करेंगे। ओए पिडू, ओ एक गल तो तू जान ले कि तेरी मदद तो हम आधी रात को भी करेंगे और ये बात भी तू पल्ले बंद ले कि तेरा रिश्ता तेरे मामा से टूटने नहीं देंगे, हम पूरी मदद करेंगे। हंस, हम भिड़े भाई की मदद जरूर करेंगे, लेकिन अगर हम भिड़े भाई की मदद करेंगे तो पोपटलाल भाई नाराज हो जाएंगे। हाँ, और पोपटलाल की मदद की तो भिड़े मास्टर नाराज हो जाएगा। आप में से किसी ने पोपटलाल को अपने घर में छुपाया है? तारक, भिड़े भाई को सब कुछ सच बता देते हैं। जुड़ी नहीं, मामला शांत होने दो। इस वक्त कुछ भी कहना आग में घी डालने जैसा हो जाएगा। अय्यर, हम भिड़े भाई को बता दे क्या कि पोपट भाई हमारे यहीं पे छुपे थे? नहीं बबीता, अभी सच बताने जैसा नहीं है। आत्माराम बहुत गुस्से में है। अय्यर, क्या आपस में क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? यही कि पवनलाल किने के घर में हो सकता है। देखिए, मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि पोपटलाल को अपने घर में छुपाने में किसी ने मदद की है? नहीं। नहीं। पक्का? हाँ। मेरी कसम। अरे असता, नहीं कोई कसम नहीं खाएगा हम। आए चल ले तुम सर, कितनी बार कसम खिलाओगे सबको? ठीक है, मैं कसम नहीं खिला रहा हूँ। देखिए, मुझे पोपटलाल को ढूंढने में आप सबकी मदद चाहिए, तो जो भी मेरी मदद करने को तैयार है प्लीज अपना हाथ ऊपर उठाइए। थैंक यू। हाथ नीचे कीजिए और आप जरा सब प्लीज नीचे आ जाइए ना प्लीज। आइए आइए। ले पिडू, सारे सोसाइटी वाले आ गए, हूं दस करना की है। हाँ देखिए, हम सब गोकुलधाम वासी पोपटलाल को एक साथ सोसाइटी में अलग अलग जगह ढूंढेंगे, मतलब क्लब हाउस पे, टेरेस पे, गार्डन में, सब एक साथ ढूंढेंगे ना तो पोपटलाल जरूर मिल जाएगा। ओके ओके। बोले पोपट अंकल तो अब डेंजर जोन में है। हाँ यार, आज पोपट अंकल बच गए ना गोगी, आई स्वेयर 5 दिन तक लगातार सिर्फ खिचड़ी खाऊंगा। अब पोपटलाल ढूंढो मिशन शुरू। अब्दुल, तुम्हारे पास टेरेस की चाबी है ना? हाँ है ना। पिडू, वो टेरेस तो लॉक होता है, तो वहां पे क्यों ढूंढना है? थोड़ी हो सकता है पोपटलाल किसी की मदद से टेरेस पे छुपा हो और उसको बोल दिया हो कि बाहर से टेरेस लॉक कर दे। चंगा, जैसे तेरी मर्जी। और एक इंपॉर्टेंट बात। क्या? सभी लोग अपने अपने घर में पोपटलाल को नहीं ढूंढेंगे, एक दूसरे के घर में ढूंढेंगे। ठीक है भिड़ू, जैसा तू कहे। तो तेरी तसल्ली के लिए हम ये भी करने को तैयार है, क्यों मेहता साहब? हाँ 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 सोड़ी, सही बात है, ताकि भिड़े मास्टर के मन में हमारे लिए कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है भिड़ू, तू माधवी वाणी के साथ हमारी विंग में जा और मेरा घर भी चेक कर लेना। ओ, कोमल भाभी और हाथीपुरा, हाँ। और तुसी मेहता साहब के घर में चेक करने के बाद क्लब हाउस में भी देख लेना। ठीक है, ओके। और मैं और रोशन डी विंग में जाएंगे, मेहता साहब और अंजलि पर जाइए, आप लोग अय्यर पर आगे घर में चेक कर लेना। हाँ ओके। पविता जी और अय्यरप्रा, आप लोग हाथीप्रा के घर में चेक कर लेना। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब्दुल, पोपटलाल के घर के बाहर ना मैंने अपने घर का ताला लगाया है, जाके चेक करना कि वो वैसे का वैसा है कि नहीं। ओके बेटा भाई।
और गोली गोगी हाँ। तुम दोनों गार्डन और मंदिर और खास करके मेन गेट के आसपास भी चेक कर लेना है। ओके ओके ओके। और सोनू पुत्र हाँ सोडी अंकल तू सोसाइटी का ऑफिस चेक कर ले है? ठीक है सोनू ये ले चाबी चलो जी चलो एक मिनट मेरी बात सुनिए देखिए देखिए मेरे मामा के साथ मेरा रिश्ता टूट गया है मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे मामा के साथ रिश्ता जोड़ने का मेरे पास ये एक ही मौका है कि मैं पोपटलाल को मामा के सामने पकड़ के हाजिर करूं तो प्लीज आप सबसे विनती है कि जैसे ही पोपटलाल की खबर मिले मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना मुझे धोखा मत देना प्लीज हाँ बीड़े मास्टर तुम चिंता मत करो देंगे वो साथ पोपटलाल तुम जहां भी छुपे हो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं पोपटलाल को ढूंढो मिशन शुरू तो सब रेडी रेडी तो 1 2 3 गो देखो अय्यर पोपट भाई जाके फिर से हमारे घर में तो नहीं छुपे है ना अरे नहीं नहीं वो अब हमारे घर पे नहीं जाएगा लेकिन वो यहाँ पे या कहीं और छुपा हो सकता है और अगर वो बाई चांस यहाँ पे मिल भी गए तो हम क्या करें हम क्या भीड़े भाई को जाके बता दे बबीता बता देंगे तो पोपटलाल के लिए गलत होगा और नहीं बताएंगे तो आत्माराम के लिए गलत होगा करे भी तो क्या करे तिरुपति बालाजी पोपटलाल हमें यहाँ नहीं मिलना चाहिए चलो जाके पहले ढूंढते मैं बेडरूम में जाता हूँ हाँ तारक जब भिड़े भाई ने हम सबसे हाथ जोड़कर मदद मांगी तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था लेकिन अभी उससे भी बड़ा टेंशन ये है कि कल सुबह 9 बजे तक पोपटलाल नहीं मिलना चाहिए तो गोकुल धाम में बहुत बड़ा हंगामा होगा हाँ। तुम यहाँ देखो मैं अंदर देखता हाँ। गोली पोपट अंकल पूरी सोसाइटी में कहाँ छिपे होंगे कहीं पकड़े गए तो ये भाई पॉजिटिव बोल बस पोपट अंकल किसी को दिख ना जाए यार जहाँ पे भी हो सेफ हो और कल सुबह 9 बजे तक भीड़े अंकल के सामने ना आए कड़े पड़ गई है चल पोपटलाल यहाँ नहीं है चलो चलते हैं चल कहा गया है? क्या वो सोनू मिले नहीं बाबा नहीं है ताला बराबर लगा हुआ है गार्डन में भी नहीं मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मैंने बोला था ना पोपटलाल सोसाइटी में ही है छोड़ने वाला पोपटलाल कहाँ है पोपटलाल 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 तो नहीं है अरे तभी चिल्लाया क्यों मिल गया वो तो मैं फोन पे था चाचा जी मैं बाद में फोन करता हूँ सत श्री अकाल दरअसल पिड़ू वो पिंड विच ना वो मेरे चाचा जी का पुत्र है जसबीर उसका ट्रैक्टर चोरी हो गया था वो मिल गया इसलिए मैं जरा एक्साइटमेंट में मिल गया अरे हाथी भाई आपको हंसी आ रही है क्या मेरे टेंशन के मारे हालत खराब हो रही है आप हंस रहे हैं अरे वो मास्टर वो ट्रैक्टर की बात आई ना तो हंसी आ गई सॉरी अंकल मिले ही नहीं तो कहाँ छुपे
पता नहीं यार, पर तू टेंशन मत ले, कैसे भी करके कल 9 बजे तक पोपट अंकल भेड़िया अंकल के सामने आ ही जाएंगे। देखो हम सब जाकर पोपटलाल को हर जगह ढूंढ के आए, लेकिन पोपटलाल नहीं मिला। मतलब पोपटलाल सोसाइटी में नहीं है। दोस्तों भेड़े ने पोपटलाल को पूरे गोकुल धाम में ढूंढ लिया और गोकुल धाम वासियों ने सोसाइटी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन पोपटलाल कहीं नहीं मिला। अब ये 1 करोड़ का सवाल है कि पोपटलाल गया कहाँ। जिस तरह से गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से पोपटलाल सोडी के विंग से गायब हो गया है। भाई वो हम सबके घर में तो कहीं नहीं है, वो अपने घर भी नहीं जा सकता क्योंकि भिड़े ने वहां पर ताला लगा दिया है, और सोसाइटी के गेट के बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि भिड़े ने वहां भी ताला लगवा दिया। दोस्तों भिड़े ने पोपटलाल को ढूंढने की पूरी कोशिशें कर ली, अब परेशान होकर वो पुलिस के पास जाएगा, और अगर पुलिस गोकुल धाम में आई मतलब डबल हंगामा, और गोकुल धाम में डबल हंगामा मतलब आपके घर पे डबल हंसी उठा के। पर ये सवाल अब भी बरकरार है कि पोपटलाल है कहाँ। इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।